परफेक्ट टेंस को हैड के साथ में थर्ड फॉर्म मिलती है, तो पैसिव वॉइस में आपको हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देना है। एग्जांपल देखेंगे, शी हैड वॉश्ड हर क्लॉथ्स। पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे हर क्लॉथ्स, और हैड की जगह पर हैड बीन एंड वॉश्ड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर है, और शी की जगह पर बाय हर। अगला एग्जांपल देखेंगे, शी हैड नॉट वॉश्ड हर क्लॉथ्स, ने अपना क्लॉथ को नहीं धोया था। पैसिव वॉइस में हर क्लॉथ्स हैड की जगह पर हैड नॉट बीन एंड वॉश्ड थर्ड फॉर्म यहाँ पर दी ही हुई है, शी की जगह पर बाय हर। हर क्लॉथ्स had not been washed by her. Next example, had he finished the work? क्या उसने work finish कर लिया था? Helping verb यहाँ पर पहले place करना है, had the work been, और उसके बाद में work की third form, और is को हम by him में change कर। Who had broken the rule? Who की जगह पर by whom, had की जगह पर had been लगाना होता है, और उसके बीच में हमको subject रखना है, इसलिए by whom had the rule after that been और verb की third form. By whom had the rule been broken? Why had they completed the work? Question word सबसे पहले और उसके बाद में helping verb, sentence का object रखेंगे, फिर हम been लगा देंगे, फिर third form के बाद में they है तो by them. Why had the work been completed by them? अगले slide में देखते हैं future indefinite tense. Future indefinite tense में आपको will या फिर शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो पैसिव वॉइस में हमको विल या फिर शैल के साथ में बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल देखेंगे, शी विल हेल्प मी, मी की जगह पर आई हो जाएगा, शैल बी का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम सेंटेंस के अफर्मेटिव में आई के साथ में शैल का यूज कर। आई शैल बी हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और शी की जगह पर बाय हर का यूज। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, वी शैल नॉट राइट अ लेटर, तो अ लेटर की जगह ऑब्जेक्ट है और इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में अ लेटर, और यहाँ पर शैल नॉट राइट की जगह पर हम लिखेंगे विल नॉट बी रिटन, और फिर यहाँ पर वी की जगह पर बाई अस हो जाएगा। बॉस की जगह पर विल का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, विल ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलेगा? तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखेंगे विल, के बाद में सेंटेंस का ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे विल क्रिकेट एंड बी का यूज यहाँ पर, विल क्रिकेट बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले का प्लेट हो जाएगा, और ही का बाय हिम। हु विल विन द रेस, तो हु की जहां पर बाय हो, विल द रेस के बाद में हम बी लगा देंगे, और विन का थर्ड फॉर्म वॉन, बाई होम विल द रेस बी वॉन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, वाई विल शी नॉट डू हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क क्यों नहीं करेगी? ऐसी वाइस में क्वेश्चन वर्ड पहले रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको रखेंगे, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है हर होमवर्क और सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट, और हम बी लगा देंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सी
हो जाएगा बाई हर में। तो इस तरह से सेंटेंस पैसिव वाइज हमारा बन जाएगा, वाई विल हर होमवर्क नॉट बी डन बाई हर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखते हैं विल और शैल के बाद में हैव आता है और थर्ड फॉर्म आती है। तो पैसिव वाइज में हमको विल शैल के बाद में हैव बीन का यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म देना है। एग्जाम्पल देखेंगे, दे विल हैव वॉन द मैच, वो मैच जीत चुके होंगे। तो पहले की तरह ही हमको इसमें भी करना है, द मैच पहले आ जाएगा और विल हैव की जगह पे विल हैव बीन और वॉन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है ही है दे का बाई दे। The match will have been won by them. Next example देखेंगे, I shall have written a letter. Passive voice, a letter पहले आ जाएगा और यहाँ पर I के साथ में shall लगा है तो a letter के लिए will लगेगा। Sentence affirmative है, यहाँ पर not का use गलत है, a letter will have been written by her. Next example is Will he have played cricket? Interrogative sentence है तो हमको will पहले लगाना है, will cricket, after that have been, after that third form of the verb and he will be changed into by him. Next example है who will have won the race? Who will have won the race? पैसिव वॉइस इसका कैसे होगा, हो की जगह पर हमको बाई होम लगा देना है, विल की जगह पर विल, द रेस और यहाँ पर बी की जगह पर हैव एंड बीन। बाई होम विल द रेस हैव बीन वॉन। नेक्स्ट एग्जांपल है, वाई विल शी हैव नॉट डन होम हर होमवर्क। पैसिव वाइज क्वेश्चन वर्ड की जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब की जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और जिस जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट की जहाँ पर रखेंगे, हर होमवर्क और उसके बाद में हैव नॉट बीन का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट हम बाय हर का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में मे या फिर माइट होगा तो उसकी जगह पर मे बी या फिर माइट भी यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल है, योर ब्रदर मे बाय अ न्यू कार। पहले की तरह है, इसमें कुछ नया नहीं है, आ न्यू कार सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर आ न्यू कार न्यू कार और मे की जगह पर मे बी का यूज करेंगे और बाय का थर्ड फॉर्म बॉट और जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है योर ब्रदर ये चेंज हो जाएगा, अपना प्लेस चेंज होगा, इसके पहले हम बाय लगा देंगे। न्यू कार मे बी बॉट बाय योर ब्रदर। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, दे माइट फिनिश द एक्सरसाइज। Is a subject of the sentence. The exercise is object of the sentence. Object जो है वो subject की place पर आ जाएगा. The exercise and may might की जगह पर यहाँ पर might be होगा. Might be and finish verb की third form और they की जगह पर by them. अगला example देखेंगे, can या could की जगह पर can be or could be or verb की थर्ड फॉर्म। I can do it सेंटेंस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट it है और सब्जेक्ट I है तो I जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा और I जो है वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनकर आएगा। can की जगह पर can भी यूज करना है और verb की थर्ड फॉर्म। इस तरह से हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन जाएगा, इट कैन डन बाय मी। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही कुड डू दिस वर्क। हमको पहले ले आना है क्योंकि सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर रखना होता है
और कुड की जगह पर कुड बी का यूज करेंगे, और हम डू का थर्ड फॉर्म यहाँ पर डन यूज करेंगे, एंड ही विल बी चेंज इनटू बाय, सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन जाता है द वर्क कुड बी डन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, शुड जो है वो चेंज हो जाएगा, शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही शुड रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स, हिज एल्डर्स यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आएगा, और शुड की जगह पर शुड बी और रेस्पेक्ट सेंटेंस का वर्ब है जो कि थर्ड फॉर्म में हमको रखना है, तो रेस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड, ही की जगह पर बाय हिम, सेंटेंस पैसिव वॉइस में, ही हिज एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मस्ट, चेंज हो जाएगा मस्ट बी, और हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। एग्जाम्पल देखेंगे, यू मस्ट रीड दिस बुक, दिस बुक हमको पहले ले आना है, सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर रखना है, मस्ट की जगह पर मस्ट बी को प्लेस करना है, रीड का थर्ड फॉर्म यहाँ पर रेड हो जाएगा, एंड यू की जगह पर बाय यू, सेंटेंस पैसिव वॉइस में हमारा चेंज हो गया, दिस बुक मस्ट बी रेड बाय यू। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, अगर सेंटेंस में किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होते हैं तो हम उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, शी गेव मी हर पेन, आप देख रहे हैं सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और दूसरा ऑब्जेक्ट, जब किसी सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो हम किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटेंस का हम सब्जेक्ट बनाकर पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, दोनों को रखकर पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस का सब्जेक्ट मानते हैं, हर पेन, सेंटेंस पास्ट में है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए हमको वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, द वेन द पेन वॉज गिवेन, और यहाँ पर मी है तो इसकी जगह पर हमको टू मी यूज करना पड़ेगा, ही वॉज सॉरी हर पेन वॉज गिवेन टू मी, और शी चेंज हो जाएगा बाई हर में, हर पेन वॉज गिवेन टू मी बाई हर। एक तरह से और हम चेंज कर सकते हैं, अगर हम सेंटेंस में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो लिविंग ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हम सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं तो कैसे पैसिव वाइज बनाएंगे। सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्टिव केस है उसको हम नॉमिनेटिव केस पे चेंज करेंगे, यहाँ पर मी है तो इसलिए आई हो जाएगा, एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है इसलिए वॉज गिवेन। जो सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हर पेन, उसको हम प्लेस करेंगे और शी को चेंज करेंगे बाय हर में, सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में बन जाता है, आई वॉज गिवेन हर पेन बाय हर। नेक्स्ट एग्जांपल है, हु ऑफर्ड यू दिस जॉब, इस जॉब को आपको किसने ऑफर किया, तो हु की जगह पर हम बाय हुम ही लगाएंगे, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए हम वॉज यूज करेंगे, वॉज दिस यहाँ पर जॉब होना चाहिए। बाय हुम वॉज दिस जॉब और ऑफर्ड थर्ड फॉर्म में और यूज पर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल दूसरी तरह से भी किया जा सकता है, इसमें बाय हुम वर यू ऑफर दिस जॉब, इस वाले सेंटेंस में हम सेंटेंस का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हमने पहले प्लेस किया, और इस सेंटेंस में जो सेंटेंस का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमने प्लेस किया, तो दोनों तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है,
will be changed into to be. For example, I am to help him. तो उसकी help करना है. Him sentence का opposite हम nominative को case में रखेंगे. तो he subject की जहाँ पर आएगा तो him subject की जहाँ पर आएगा तो he हो जाएगा. I am I के लिए लगा है तो हम he के लिए is लगा देंगे. और to की जगह पर to be थर्ड फॉर्म ही हमको रखना है. आई है तो बाय मी. ही इज टू बी हेल्प बाय मी. नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे. यू हैड टू हेल्प अस. यू सेंटेंस का सब्जेक्ट है. हैड टू हेल्प सेंटेंस में वर्ब है. अस जो है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट को हम नॉमिनेटिव केस पे रखेंगे. ऑब्जेक्ट यहाँ पर अस है तो वी हो जाएगा. और हैड टू will be changed into had to be. help की थर्ड फॉर्म होती है helped और you की जगह पर हो जाएगा by you. next sentence, next example is there is no time to lose. there is no time to lose sentence को change कैसे करेंगे passive voice में. there है तो हम sentence में there ही लगाएंगे. helping verb जैसे ही वैसे रख देंगे. no time तो वैसे ही रख देंगे. जहां पर सेंटेंस में हमको टू लगता है उसकी जगह पर हम टू बी का यूज करेंगे. और जहां पर थर्ड सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म होगी वहां पर सेंटेंस में थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. तो लूज का थर्ड फॉर्म लॉस्ट. देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट. नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है. इट इज टाइम टेक लंच. इट इज टाइम टू टेक लंच बहुत ही आसान है. इट इज टाइम यहाँ पर एक चीज आपको जोड़ना होगा फॉर लगाना होगा. इट इज टाइम फॉर लंच और टू की जगह पर टू बी और टेक का थर्ड फॉर्म. ठीक है ऐसी वाइज क्या बनेगा. इट इज टाइम फॉर लंच टू बी टेकन. अगर सेंटेंस पैसिव वाइज एक्टिव वाइज आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है तो फिर उसका पैसिव वाइज कैसे बनाएंगे. पैसिव वॉइस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच. ये जो सेंटेंस आपके सामने है ये इनडायरेक्ट स्पीच में. आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज बिजी. मैंने उसको पूछा कि क्या वो बिजी था. इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे. बिल्कुल ही बहुत ही आसान है. सेंटेंस में यहाँ पर हम देख रहे हैं तो सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब है उसका सब्जेक्ट लेंगे और उसका ऑब्जेक्ट लेंगे और यही पर हम सेंटेंस को चेंज कर देंगे. तो ही पर सब्जेक्ट बनकर आएगा. हिम सब्जेक्ट बनकर आएगा ही. और आस्क्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है इस वाज आस्क्ड हो जाएगा. ही वाज आस्क्ड और बाय में लगाने की जरूरत नहीं है. ही वॉज आस्क्ड बाकी सेंटेंस को एज इट हम उतार देते हैं. ही वॉज आस्क्ड इफ शी वॉज बिजी. और यहाँ पर शी नहीं ही होना चाहिए. नेक्स्ट एग्जांपल दे आस्क्ड मी वेयर आई वेंट. पैसिव वॉइस में वही प्रोसेस करना है. तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा उसको हम यहाँ पर प्लेस करेंगे. सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस आई हो जाएगा. आस्क्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज आस्क्ड हो जाएगा. आई वाज आस्क्ड सेंटेंस बाकी हम एज इट उतार देंगे. वेयर आई वेंट. वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस. अगर सेंटेंस इंपरेटिव में होता है तो उसको हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं. एग्जांपल यहां पर इसके पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर दिया हुआ है. अगर कमांड होता है सेंटेंस में तो हम लेट यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस थर्ड फॉर्म और उससे पहले बी लगा देंगे प्लस अदर वर्ड्स. सेंटेंस में एडवाइस होता है तो एडवाइस के लिए हम सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस शुड बी का यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर हम अदर वर्ड का यूज करेंगे. सेंटेंस अगर रिक्वेस्ट होता है तो ऐसे सेंटेंस में हम यू आर रिक्वेस्टेड का यूज. चलिए देखते हैं एग्जांपल. हाँ ओपन द विंडो खिड़की को खोलो. इस सेंटेंस में कमांड है इसलिए हम पहले लेट का यूज करेंगे. तो हमने लेट यूज किया. आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे
फिर हमने सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है विंडो को यहाँ पर यूज किया, द विंडो, आफ्टर दैट बी का यूज करेंगे, यहाँ पर हमने बी यूज किया, आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म, यहाँ पर हम ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन, तो लेट द विंडो बी ओपन। नेक्स्ट एग्जांपल है, डोंट टच माय फोन, मेरे फोन को टच मत करो। इस सेंटेंस में भी कमांड झलक रहा है, तो हम सेंटेंस में पहले लेट का यूज करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, और उसके बाद में हम बी का यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट माई फोन नॉट बी टस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हेल्प द पुअर, पुअर की हेल्प करिए। ऐसे सेंटेंस में एडवाइस का भाव झलकता है, इसलिए हम पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, तो हेल्प द पुअर है ऑब्जेक्ट आपका, तो हम द पुअर लगा देते हैं। उसके बाद में शुड बी का यूज करना है, हम शुड बी यूज कर देते हैं, द पुअर शुड बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प, पैसिव वॉइस आपका, ही द पुअर शुड बी हेल्प। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, काइंडली हेल्प मी, ऐसे सेंटेंस में जिसमें काइंडली या फिर प्लीज लगा होता है, ये सेंटेंसेस रिक्वेस्ट में आते हैं, तो रिक्वेस्ट के लिए हमको यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना है, तो सेंटेंस में हम यूज करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, आफ्टर दैट टू का यूज करेंगे, हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। आगे बढ़ते हैं, अगर सेंटेंस में लेट आता है तो हम लेट की जगह पर लेट बी लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, उसको वर्क कंप्लीट करने दो। वैसे सेंटेंस में हम जहां पर लेट होता है वहां पर लेट ही लगाते हैं, द वर्क सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है तो उसको हम सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे और फिर हम बी यूज करेंगे, यानी कि लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट एग्जांपल इज, लेट अस डिस्कस द मैटर, इस सेंटेंस को हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला जो तरीका है उसमें हम लेट की जगह पर लेट रखेंगे, ऑब्जेक्ट जो है उसको हम सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, लेट द मैटर, उसके बाद में हम बी यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा तरीका ये होता है कि हम सेंटेंस में इट इज सजेस्टेड दैट का प्रयोग करते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट, आफ्टर दैट वी शुड लगाते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, फिर आगे डिस्कस द मैटर। ये स्ट्रक्चर आप याद कर सकते हैं कि सेंटेंस में लेट अस अगर आता है तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड से भी हम सेंटेंस को पैसिव वाइज बना सकते हैं। हो सकता है आपके पास, आपके सामने एग्जाम में तो चार ऑप्शन होते हैं, उसमें से ये वाला ना देके ये वाला देके आपको पूछ लिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगर सेंटेंस इनडायरेक्ट इंपरेटिव, सेंटेंस अगर इंपरेटिव में होता है और वो इनडायरेक्ट स्पीच में होता है तो हम सेंटेंस को पैसिव वाइज कैसे बनाते हैं। हाँ, एग्जांपल आपके सामने है, आई रिक्वेस्टेड हर टू मेक टी, सेंटेंस ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, मैंने उसको चाय बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया। तो कैसे आपको करना है, सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका सब्जेक्ट हम लेंगे और उसका ऑब्जेक्ट लेंगे, और यहीं पर सेंटेंस को हम पैसिव वाइज बना देते हैं। हर जो है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह पर आएगा और नॉमिनेटिव केस में बदल जाएगा, शी रिक्वेस्टेड की जगह पर वाज रिक्वेस्टेड होगा, पीछे हम पढ़ चुके हैं, शी वाज रिक्वेस्टेड, और सेंटेंस बाकी हम एज इट उतार देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया दवाइयाँ टाइम पर लेने के लिए। तो सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है यहीं से सेंटेंस को पैसिव वॉइस बना देते हैं।
मी जो है उसका नॉमिनेटिव केस यहाँ पर आई हो जाएगा, और एडवाइज्ड की जगह पर वॉज एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ऐसे सेंटेंस में हमको बाई यूज करने की जरूरत नहीं होती है। पॉजिटिव केस देखेंगे, पॉजिटिव केस प्लस इन्फिनिटिव, ऐसे सेंटेंस विदाउट टू, इन्फिनिटिव तो होता है लेकिन टू का यूज नहीं होता। आई मेड हिम लाफ, मैंने उसको हंसाया, आई मेड हिम लाफ। सेंटेंस में देखिए, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हिम, इसी से सेंटेंस को पैसिव वाइज बना लेंगे। ही सबसे पहले नॉमिनेटिव केस में हो जाए, ही मेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वॉज मेड हो जाएगा, और जब हम पैसिव वाइज बनाएंगे तो फिर तो वर्ब होगी, वहां पर टू लगा देना होगा। ही वॉज मेड टू लॉ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ही मेड हर सिंग। हर की जगह पर हमको नॉमिनेटिव केस में सी लगा देना है, मेड की जगह पर वॉज मेड और सिंग की जगह पर टू सिंग का। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल यहाँ पर है, पीपल मेड हिम सेक्रेटरी, लोगों ने उसको सेक्रेटरी बनाया। पीपल मेड हिम, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। तो इसलिए सबसे पहले सेंटेंस को जब भी पैसिव वॉइस आप बनाइए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सर्च करिए। तो हिम है, इसकी जगह पर ही हो जाएगा, मेड की जगह पर वॉज मेड एंड सिक्योरिटी जो आपका कॉम्प्लीमेंट है उसको लगाइए, और बाई पीपल लिखने की जरूरत नहीं होती है। पीपल, समवन, नो वन, ऑल ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हमको बाई लगाने की जरूरत नहीं होती है। दे डिड नॉट रिवार्ड हिम पद्मश्री, पद्मश्री यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट होगा। दे सेंटेंस में सब्जेक्ट है और हिम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हम पहले यहाँ रखेंगे नॉमिनेटिव की जगह पर। ही वॉज नॉट अवार्ड की जगह पर अवार्डेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, एंड देन कॉम्प्लीमेंट, ही वॉज नॉट अवार्डेड पद्मश्री। नो यूज ऑफ बाय, बाय का यूज नहीं करना है। ऐसे सेंटेंसेस जहां पर बाई की जगह पर एट, विद, टू या फिर फॉर यूज होते हैं, इनको आप याद कर लीजिए। दीज वर्ब्स आर एस्टोनिस्ट, अमेज्ड, अनॉयड, नॉग, सरप्राइज्ड। इन सारी वर्ब्स के साथ में एट का इस्तेमाल करना है। डिसगस्टेड, डिससेटिस्फाइड, डिसप्लीज्ड, सेटिस्फाइड, वायरल, ऐसे सेंटेंसेस के साथ में विद का यूज करना है, बाई का यूज नहीं करना है। एडिक्टेड, कंपेयर्ड, लिसन, इन सेंटेंसेस में, इन वर्ब्स के साथ में हमको टू का यूज करना है। एंड प्रिपेयर्ड वर्ब के साथ में हमको फॉर का यूज करना है, बाई का नहीं। एग्जाम्पल देखेंगे, आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ। ही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, इससे सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हम इस और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ही इज नोन, और नो के साथ में बाय नहीं लगाना है, हमको टू का यूज करना है। ही इज नोन टू मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सी, शी प्लीज्ड मी, प्लीज किया। सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसकी जगह पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में आएगा आई, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वॉज प्लीज्ड, एंड प्लीज्ड के पहले
बाई का यूज नहीं करना है, विद का यूज करना है। आई वॉज प्लीज विथ हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हिज बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी। उसके बिहेवियर ने मुझे डिसअपॉइंट किया। डिसअपॉइंट के साथ में यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो सेंटेंस में मी ऑब्जेक्ट है, उसकी जगह पर वो सेंटेंस में पैसिव वॉइस में नॉमिनेटिव केस की जगह पर आएगा। आई वॉज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड के बाद में बाय का यूज नहीं होता, डिसअपॉइंटेड के बाद में एट का यूज होता है। ही डिसअपॉइंटेड एट हिज बिहेवियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।